अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सब की दुआओं से। मौसम इतना प्यारा लग रहा है। तो मैं आज यस्ना की छुट्टी, तो मैंने कहा मैं और यस्ना थोड़ा सा बाहर घूम के थोड़ा सा टाइम जो है एक साथ गुजार के थोड़ी बातें करके आएँ। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे व्लॉग को जो है वो पूरा देखिएगा। देखना यस्ना की चुलबुली थोड़ी बहुत उर्दू जो है वो बातें करती है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ, पूरी देखिएगा। इसना को बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इसना आप स्कूल क्यों नहीं गई? और कोई बच्चा भी नहीं आएगा? अच्छा, आपका हेयर स्टाइल किसने बनाया? दिखाओ कितना लग अच्छा लग रहा है। वाह कितना अच्छा लग रहा है। वाह आप और आज बहुत अच्छी लग रही हो आप तो। आओ चले वहाँ आ जाओ, हाथ पकड़ो मेरा। आस्ते 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 ये आज चले। इसे ना आप रोज़ यहाँ से गुजरती हो ना, स्कूल जाती हो। रजुला खाओ। आज यसना आओ जल्दी से चलें। ये आप इसे आप होगा क्यों, ये छोटा सा है। कैसे करोगी? आप गिर जाओगी बेटा। इसना आप जल्दी से चाबी से ताला खोलो, हम अंदर जाके अपने पौधों को देखेंगे। नहीं खोल रहा, मैं खोलूं? आराम से देखना, गिरना नहीं है। इतने प्यारे फूल हैं। ऐसे इतने प्यारे फूल हैं। मैं अभी दिखाऊं आपको फूल, वो देखो येलो येलो पीले पीले से। आ जाओ दिखाओ। साहब अपने लिए गुलदान बना रही। चलो मैं आपको फूल तोड़ के देती हूँ, ये लो। वाह इतना प्यारा लग रहा है इसना। वाह आ जाओ ये लो इसना, थैंक यू बोलो। चलो आओ थोड़ा से। क्या बना रही हो? मैं फूल बना रही हूँ।
अब मैं घर आ गई और मैंने खाना बनाना भी स्टार्ट कर ली क्योंकि मुझे अब लग रही है भूख। बच्चे भी घर पे हैं तो उनको टाइम पे जो है वो खाना दे दूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर रख दिए हैं गलने के लिए। अच्छा, जब मैं यसना और मैं बाहर गए थे ना तो मैंने दाल चढ़ा दी थी, चने की दाल जो है वो उबलने के लिए रख दी थी, और जब मैं वहाँ से आई तो बिल्कुल रेडी थी। इसमें मैंने जो है ना लौंगी मिर्च जो कहते हैं हमारे गाँव की, वो मैंने इसमें डाली हुई। इसका ज़ायका बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आता है। और जब इसको रोटी के साथ खाओ ना, इसको थोड़ा सा इसको तोड़ो मिर्च को, तो उसका ज़ायका बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो ये देखें, बिल्कुल टमाटर भी जो है वो गल चुके हैं। अब जो है मैं दाल को, चने की दाल को इस तड़के में डाल दूँगी। सारी डाल दी, थोड़ा थोड़ा शोरबा रखा है क्योंकि मैं रोटी के साथ खा रही हूँ तो थोड़ा सा शोरबा होना चाहिए। तो ये देखें, ये थोड़ा सा घुमाना है इसको और थोड़ा रख दूँगी उबलने के लिए, अच्छा सा एक उबाल आए और फिर रख दूँगी दम पे। अच्छा, जब मैं बहुत साल पहले जब मैं गई थी ना पाकिस्तान, तो हम बाय रोड जब गए थे तो एक छोटी सी होटल आई थी, वहाँ पे चने की दाल जब मैंने ली थी, खाई थी, वो मुझे आज तक नहीं भूलती कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी थी। और साथ में बना रही हूँ सलाद, एक प्याज, दो टमाटर, तीन खीरे। आप इनको मिला के जो है मैं सलाद बना रही हूँ, क्योंकि दाल के साथ सलाद बहुत ही मज़े का लगता है। और ये देखें, बहुत अच्छा सा एक उबाल आ चुका है, दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा घुमाऊँगी, और इसको थोड़ा सा घुमाने के बाद जो है ना, ढक्कन देने के बाद थोड़ा सा दम पे दे दूँगी। और यहाँ साथ में जो है वो मैं सलाद बना रही हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल दम पे रखती। अब खाने का टाइम है और क्या कहते हैं, सलाद भी बिल्कुल रेडी है। देखिए, मैंने बिल्कुल वो बड़े बड़े पीस नहीं, छोटे छोटे पीस किए हुए सलाद के, यानी कि प्याज, खीरा और टमाटर। आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, यसना की बातें आपको कैसी लगी हैं, उसकी हल्की फुल्की सी उर्दू में उसके साथ बातें करती थी उर्दू, ताकि उसको उर्दू भी आए, तो बहुत अच्छी बोलती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।